देखिए, इस भजिए को देख के कोई नहीं बता सकता कि ये आलू और चावल से भजिया बना हुआ है। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगता है और ये बनाना बहुत आसान है। और जब भी बनाएं इसको थोड़ा ज़्यादा बनाएं, क्योंकि जब भी बनाइए ये कम पड़ जाता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसको। तो ये हमारा एक कप चावल है, इसको हमने 2-3 पानी अच्छे से धो के और 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल चुका है और आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी करके डाल दीजिए तो 1 घंटे में भी अच्छे से फूल के तैयार हो जाता है। तो अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। और उसके बाद हमने ये 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको हमने 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया था और इसको छोटे छोटे क्यूब में काट के सारा डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे, तोड़ के डाल देते हैं। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको हम छोटा छोटा करके डाल देंगे ताकि पीसने में आसानी हो। और इसमें हम डाल देंगे 8 से 9 कली लहसुन और 1 छोटे साइज का प्याज डालेंगे, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, डाल देंगे। और 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे जीरा और 10 से 12 काली मिर्च और इसको हम पीस लेंगे बढ़िया से। तो देखिए हमारा पीस गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक बॉल में और इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें ये 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है डाल देंगे और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला। और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें दही। दही डालना इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, पर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम चलते हैं तलने। तलने से पहले इस बेटर में हम डाल देंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, डाल देंगे और इसको बढ़िया से मिला देंगे। कड़ी पत्ता से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप हो तो जरूर डालें। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लें हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर लें तलते समय। और तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, एक एक करके इसमें पकौड़े डालते जाएंगे, जितना हमारा कढ़ाई में आ जाए उतना हम डाल देंगे। और डालने के बाद हम थोड़ा सा सिकने देंगे और सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे। देखिए ये एक साथ सारा भजिया हमारा पलट गया, कितना आसानी से। और इसमें जो जुड़ा हुआ है उसको हम ऐसे छुड़ाते जाएंगे। और हमने फ्लेम को मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम तलेंगे अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसको हमें तलने में 7 से 8 मिनट लग गए हैं और देखिए ये कितना बढ़िया कलर आया हुआ है और क्रिस्पी भी बहुत है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सारा भजिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक बैच का बन गया, अब हम दूसरा बैच डाल देते हैं। और ये बनाना बहुत आसान है और टेस्ट का तो पूछिए मत, टेस्ट इतना अच्छा है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो लीजिए हमारा ये चावल और आलू से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी और बहुत आसान और जल्दी बनने वाला भजिया तैयार है। और देखिए इसका क्रिस्पीनेस, कितना ये क्रिस्पी बना हुआ है और अंदर से भी बहुत बढ़िया से पका हुआ है। तो ये देखिए, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है और इसको बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। मेरी बेटी जल्दी तला हुआ चीज उतना नहीं खाती है, पर ये बहुत मन से खाई। तो इस भजिए को आप जरूर ट्राई करें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले।